नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइटर आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक स्पेशल सेल्फी आज चर्चा में है। पीएम मोदी की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चेन्नई के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने एक स्पेशल सेल्फी ली। पीएम ने इस सेल्फी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद ये तस्वीर वायरल हो रही है। पीएम मोदी ने सेल्फी शेयर करते हुए बताया कि चेन्नई में मेरी मुलाकात थीरो एस मणिकंदन से हुई, वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मोदी ने कहा कि वो इरोड क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और बूथ अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मणिकंदन को लेकर बताया कि वो दिव्यांग है और दुकान चलाते हैं। पीएम ने मणिकंदन की तारीफ करते हुए लिखा कि सबसे प्रेरक पहलू ये है कि वो आमदनी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई दौरे के दौरान एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु को वंदे भारत एक्सप्रेस का भी तोहफा दिया। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सेल्फी शेयर की है, ये सेल्फी वाला चलन जो है वो काफ़ी पहले एक बार फिर से बीजेपी ने अपनाया था। इस बार भी चुनावों से पहले जो है बीजेपी इस तरीके का खेला कर रही है। यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। यहाँ पर आपने देखा कि सेल्फी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने उस सेल्फी को लेकर के जो बातें कही वो सच में दिल को छू जाने वाली थी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी को देखने के बाद आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर। बाय।